नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम ITC स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। ITC स्टॉक की बात की जाए तो कंपनी रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस चेक करने वाले हैं ITC के। तो आप लोग भी यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टिंग वेबसाइट पे जाके आप लोग इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जो है 436 है 90 की। तो इस यहाँ पे वीडियो में हम लोग कंपनी ओवर वैल्यूड है या नहीं है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट कैप 5,45,000 करोड़ की है और कंपनी ने 2019 में 1 लाख निवेश किए होते तो अभी तक 1.49 लाख यहाँ पे रिटर्न्स मिल जाते। पिछले एक साल में 13% का रिटर्न दिया है, एक महीनों में 3 to 4% का रिटर्न दिया है और 1 वीक में 4% से ज़्यादा। तो कंपनी के जो कंपटीटर्स है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो फंडामेंटल स्कोर जो है वो इंडस्ट्री का काफ़ी बढ़िया है, 9.9 है और 10 में से, और कंपनी का जो है यहाँ पे 8.2 है देखा जाए तो जो कि अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोर है। सिर्फ ग्रोथ में कंपनी थोड़ी सी कम नज़र आती है। तो वैल्यूएशन स्कोर की बात की जाए तो वैल्यूएशन काफ़ी बढ़िया नज़र आता है इस सेक्टर का, इंडस्ट्री का यहाँ पे वैल्यूएशन 8.2 ये काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे ITC का मीडियन है 4.9 है वो भी अच्छा नज़र आ रहा है क्योंकि पी रेशो भी थोड़ा सा सस्टेन है, PB भी ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं फेयर प्राइस की, तो कंपनी का जो फेयर प्राइस है करंट प्राइस जो है उसके थोड़ा सा कम है, तकरीबन देखा जाए तो फेयर प्राइस अच्छा नज़र आ रहा है कंपनी के। EBITDA भी थोड़ा सा ठीक नज़र आ रहा है, EV सेल्स भी कंपनी के ठीक नज़र आ रहे हैं। और नीचे की तरफ आप लोग नज़र डालोगे तो इज ITC अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ITC इज फेयरली वैल्यूड बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से फेयरली वैल्यूड है कंपनी एंड इन्वेस्टर्स में वेट फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी वंस इट बिकम्स अंडर वैल्यूड। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे ITC के लिए।